अर्चना जागृति पे लगे हुए लाने में, तो इसकी धूप भी बनती है, तो इसलिए पत्थरों की ही दीवार लगाई जाती, मकान लगाए जाते हैं। इधर डाल रखी है भाई काले भट्ट की दाल, जिसकी हमने कल मनाई की थी, तो देखो इतनी हो रखी है, ये इतनी हो रखी है, और भाई इसमें से थोड़ी और निकलेगी, तो इसको भाई लकड़ी से, इस तरीके से लकड़ी से कूट के भाई इसमें से निकाल लेंगे, थोड़ी बहुत बची है इसमें, बाकी तो ये अलग कर ली मम्मी ने, तो इधर भी है, इसमें से भी अलग होगा, और ये देखो इसमें से भी अलग होगा, और इधर रखी है मिर्च देखो, तो खेत से हम पेड़ों को काट के लिए आए, तो इनमें अभी काफ़ी ज़्यादा मिर्च है, तो ये भी तोड़नी अभी बाकी है। और इधर देखो लहसुन भाई इतना बड़ा हो गया, ये तो काफी बड़ा हो गया, ठीक है भाई, हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा कुछ हो रहा है। और इधर मटर तो अभी नहीं निकली है, और शायद गेहूं निकलने लग गए, देखते हैं आगे। हाँ गेहूं निकलने लग गए भाई, ये देखो तो ये गेहूं निकलने लग गए, ये अब तो जल्दी बड़े हो जाएंगे, एक बार निकलने की देर होती है उसके बाद जल्दी से बड़े हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई दिन के 12 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत आज 12 बजे से हो रही है। भाई सुबह के टाइम हल चलाया मैंने, देखो इस खेत में, तो गाइज इस खेत में चल रहा है भाई, कल ये पलट दिया था मैंने, तो आज एक बार और पलटा जा रहा है इधर से उधर को, तो भाई जहाँ तक वो रखे हैं हल मैंने, मोया रखा है वहाँ तक पलट दिया, तो थोड़ा सा और बचा है आगे वहाँ तक, तो इसको शाम को कंप्लीट कर दूंगा शायद मैं। और देखो मम्मी ला रही घास, और नीचे खोल रखे हैं बैल वहाँ पर देखो, तो वहाँ पर चल रहे हैं अभी बैल, तो अभी थोड़ी देर में और जोतने हैं मेरे को, तो देखते हैं क्या क्या होता है भाई, वैसे तो घास भी लगानी है। अब चलते हैं भाई खाना खाने, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस भाई खाना पीना हो गया, और टाइम लाइफ कैसा लगा जरूर बताना। आज काफी बादल हैं आसमान में, और सुबह तो काफी ज्यादा ठंडी थी, और देखो एक बार आप मौसम, तो गाइस ऐसा कुछ हो रहा है भाई, आज मौसम काफी बादल थे, अभी तो थोड़े बहुत कम हैं, तो सुबह तो पूरा ढका हुआ था भाई, काफी ज्यादा बादल थे, तो अभी भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े हैं भाई, इधर की साइड ज्यादा है, और ऐसा कुछ हो रहा है आज का मौसम। तो गाइस ये देखो भाई गाँव का नजारे, यहाँ से मैं हूँ अभी छत में, तो ऐसा कुछ नजारा है, काफी अच्छा लगता है यहाँ से, यहाँ पर छत में हूँ मैं, तो यहाँ से बढ़िया लगता है भाई देखने में। तो गाइस बैल जोत दिए मैंने, और भाई आप देखो किस तरीके से बादल लगे हुए हैं, ये देखो क्या बढ़िया तरीके से लगे हैं भाई, और इधर धूप लग रही है, ये बादल कुछ अलग ही लग रहे हैं, तो आप इनको भाई मैं टाइम लैप पर लगाता हूँ, तुम देखो इंजॉय करो भाई किस तरीके से निकल रहे हैं बादल, और तब तक मैं चलाता हूँ हल। तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए भाई बैल खड़े कर दिए हैं, और इतना हल चला दिया मैंने, ये देखो, तो भाई ये देखो कुछ, और पूजा ला रही है उधर से घास, तो भाई घर के पास एक घास का लूटा और लगाएंगे, इकट्ठा करेंगे घर के पास, और यहाँ से ला रही है पूजा, यहाँ पर काट रखी थी थोड़ी बहुत घास, तो वहाँ से ला रहे हैं, और घर के पास रखेंगे इसको, वो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ नीचे ये देखो, तो यहाँ गांव में ये लगा रहे हैं भाई, अपना मकान लगा रहे हैं नया, तो भाई हमारे यहाँ जो भी मकान लगे हैं सारे, तो इन सारे मकानों की दीवार जो होती है वो पत्थरों की होती है, तो ये भी भाई पत्थरों की है, और ईंट मंगाएंगे तो भाई काफ़ी महंगा पड़ जाता है ईंट, क्योंकि वहाँ तक लगभग गाड़ी आएगी, अगर रोड सही होगी तो ये वाली जो कच्ची सड़क है नीचे ये सही होगी, वहाँ तक आएंगे गाड़ी में ईंट, तो वहाँ से भाई उनका किराया यहाँ तक ढोलने का किराया इतना पड़ जाएगा, तो भाई उतने की ईंट नहीं होगी, उससे ज़्यादा उनका किराया पड़ जाएगा, तो इसलिए भाई पत्थर हैं हमारे यहाँ खूब जम के भाई, तो इसलिए पत्थरों की ही दीवार लगाई जाती, मकान लगाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो गाइस बैल खोल दिए थे, तो बैल भाई ले आया मैं घर, तो घास डाल देते हैं इनको, और भाई फिर जाते हैं नीचे, देखो आप, तो गाइस आंगन के जस्ट नीचे वाले खेत में आप यहाँ पे मेरे को घास इकट्ठी करनी है, और मम्मी लोग वो देखो, मम्मी लोग भाई मडुए का नार को इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी गठरी बना रहे हैं, और वो घास को यहाँ पर लाएंगे,
तब तक भाई मेरे को एक लकड़ी यहाँ पर जमीन में गाड़नी है, खड़ी करनी है, तो वो रही लकड़ी, तो उसको मैं खड़ी करूंगा। तब तक वो घास को इकट्ठी कर लेंगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे भाई घास का लोट, और आप देखो इंजॉय करो। तो गाइज इस तरीके से भाई लकड़ी खड़ी कर दी मैंने, तो अभी घास नहीं ला रखे मम्मी लोग, तो वो घास लाएंगे, उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा काम और बचा है मेरे को, पहले सबसे नीचे आएगा भाई झाड़, तो उसके ऊपर घास आएगी, जिससे कि भाई बरसात में पानी ना लगे घास पे, तो झाड़ के ऊपर सारा घास इकट्ठी करी जाएगी इसके चारों तरफ, लकड़ी के चारों तरफ ऐसा कुछ होगा, वो दिखाएंगे आपको। तो पहले मैं झाड़ लाता हूँ, झाड़ इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। जानवर चिराग भी ला रहे भाई घास, हाँ फेंक दे यहाँ पे, तू भी फेंक दे। तो गाइस पूजा काट रही है भाई, ये पाती इसे बोलते हैं हमारे यहाँ पाती, ये देखो आप, ये देखो ये पाती है भाई, लेकिन इसकी धूप बनती है भाई, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इस पर, जब ये काट रही है भाई यहाँ सारा महक रहा है बिल्कुल इसकी खुशबू से, तो इसकी धूप भी बनती है, और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कभी मैं, धूप बना के दिखाऊंगा आपको। तो भाई क्या जबरदस्त धूप बनती है इसकी, तो यहाँ पर बहुत हो रही है, ये देखो इधर भी हो रही है, इधर की साइड वहां पे भी हो रही है, वहां नीचे हो रही है, ये सारी यही चीज है। तो यहाँ सारा इतना एरिया मतलब सारा महक रहा है इसकी खुशबू से, तो इतनी जबरदस्त खुशबू होती है इसकी। तो गाइस इस तरीके से भाई देखो ये झाड़ को सारा काट के भाई बिछा दिया इसके ऊपर, अब लगाते हैं ये देखो घास, ये रखिए घास, तो ये देखो ये थोड़ी बेकार हो रही है, इसको डालेंगे भाई नीचे, फिर इसके ऊपर लगेगा भाई मडुए का न्यार, वो दिखाएंगे आपको। चलो करते हैं स्टार्ट। होगी घास तो नीचे, अब लगाते हैं भाई न्यार। तो गाइस इस तरीके से भाई पहले न्यार लगाना होगा, पहले न्यार लगा लेता हूं मैं। तो गाइस इतना भाई लग गया न्यार, अब लगाते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा घास, क्योंकि अगर न्यार ही न्यार लगेगा तो भाई ये सब फिसल जाएगा, न्यार चिकना होता है भाई, वो गिर जाएगा सारा नीचे, तो थोड़ा घास लगाते हैं फिर उसके बाद न्यार लगाएंगे। अब करते हैं भाई न्यार स्टार्ट फिर से। तो गाइस घास खत्म हो गई है भाई, क्या कर रहे हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और नीचे देखो आप चिराग वहाँ पे बैठा है और पूजा कर रही है भाई, घास ला रही है यहाँ पे, और मम्मी लोग ये देखो घास पुटली बना रहे हैं गठरी, तो ये बांध रहे हैं गठरी और पूजा ला रही है। तो गाइस अर्चना जागृति में लगे हैं भाई लाने में एक गिरेंगे। तो ये देखो भाई धूप चली गई वहाँ, तो ठंड होनी स्टार्ट होगी, ठंडी हवा चल रही है अभी। तो भाई न्यार लग गया है, अब लगाते हैं भाई घास। तो गाइस कुछ इस तरीके से लग गया भाई घास का लूटा भाई इतनी घास इकट्ठी कर दी, तो ये देखो कुछ इस तरीके से है, पहले सबसे नीचे भाई घास थी, फिर न्यार था, फिर घास है, फिर न्यार है, फिर घास है सारी यहाँ से ऊपर को, तो भाई ऐसे कुछ लगा रखा है देखो, और ऊपर से मैंने घास से ऐसे ढक दिया इसको, जैसे कि मतलब ये पानी काटे, बारिश होगी तो पानी बाहर को काटेगा, तो देखो
कुछ बन गया ये कुतुब मीनार की तरह। तो भाई ऐसा है, तो गाइस इस तरीके से कुछ भाई पहाड़ों में हमारे यहाँ तो खासकर भाई इस तरीके से रखा जाता है घास को। और भाई घास में कांटे होते हैं तो सारे मेरे कपड़ों में चुभ गए वो, तो इनको चेंज करना पड़ेगा या तो भाई अभी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी घर चल के। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।